हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कमेंट्स, एस्केप सीक्वेंस और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। अब हम इसमें जानने वाले हैं कि कमेंट्स किस लिए यूज़ होता है, फिर कहाँ यूज़ होता है और एस्केप सीक्वेंस क्यों यूज़ होता है, और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स कैसे हम यूज़ करते हैं इसमें। तो इसके लिए हम पहले अपना जुपिटर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये सीएमडी जुपिटर नोटबुक। तो अब यहां हमारा जुपिटर ओपन हो जाएगा। ओके, तो हमारा जुपिटर ओपन हो गया है। अब हम वो फाइल ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये सारे हमने पहले वीडियो में जो प्रोग्राम किए थे वही है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कमेंट्स, फिर एस्केप सीक्वेंस सीक्वेंस एंड प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कमेंट स्टेटमेंट। तो कमेंट स्टेटमेंट किसे कहते हैं? अब कमेंट स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कि जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब यहां पे जब मैंने यहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा, अब इसके साथ मुझे कोई नोट छोड़ना है, मतलब कि मुझे यहां पे कुछ दिखाना है कि भाई ये मैंने किस लिए लिखा है। तो जैसे मैं यहां पे एक हैश कीवर्ड यूज करता हूं और उसके बाद लिखता हूं कि ये मैंने फंक्शन के लिए लिखा है। ओके, तो जो हमने ये हैश कीवर्ड का यूज किया है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसकी वजह से ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ। मस के ये जो सिंगल लाइन है पूरी वही कमेंट होगी, उसके बाद आप जब एंटर करोगे और यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो वो कमेंट नहीं होगा। ओके, तो जो कमेंट्स होते हैं उसमें दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट जो आप अभी देख रहे हो वो, और एक मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, तो आपने सिंगल लाइन कमेंट्स तो देख लिया कि आप जो भी यहाँ पे हैज लिखे उसके पीछे करोगे या फिर उसके नीचे आप डायरेक्ट हैज लिख के कुछ भी लिखोगे आप, तो वो क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। ओके, आप समझ गए। तो इस चीज को यूज क्यों करते हैं, मींस के कोई नोट छोड़ने के लिए। अब जब कंपाइलर होता है या फिर इंटरप्रिटर होता है वो क्या कर देता है, तो ये हैज कीवर्ड को देख के इसको वो रन नहीं करता, इसके इसको इग्नोर कर देता है, और उसके बाद जो ये हेलो वर्ड और प्रिंट स्टेटमेंट है उसे ये प्रिंट कर देता है। ओके, तो यही चीज इसमें होती है। अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में कहना ये है कि जब आप कोई मल्टीपल लाइंस छोड़ते हो, मीन्स कि आप मल्टीपल लाइन में नोट में लिखते हो कि भाई ये मैंने फंक्शन के लिए लिखा है। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल लाइंस का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल लाइंस का यूज किया है। अब यहाँ पे जब मैं अगर हैज कीवर्ड का यूज करूँगा तो ओनली फॉर एक लाइन ही कमेंट्स होगी, बट अगर मुझे सारी की सारी लाइंस कमेंट करनी है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, तो ट्रिपल सिंगल कोटेशन का यूज करूंगा या फिर ट्रिपल डबल कोटेशन का यूज करूंगा। ओके, ये ट्रिपल सिंगल कोटेशन या फिर
ट्रिपल डबल कोटेशन का भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि जिसकी वजह से ये लाइन क्या हो जाएगी, मल्टीपल लाइंस कमेंट्स हो जाएगी। ओके मींस के ये पूरी लाइन को वो क्या करेगा, कंपाइलर या फिर इंटरप्रिंटर इग्नोर कर देगा। ओके और उसके बाद आपका प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके तो बस सिंपल सी चीज यही है। ओके अब दूसरी बार बात करते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। ओके तो यहां पे लिखते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट। ओके क्या लिखा हमने यहां पे, प्रिंट स्टेटमेंट। तो अब प्रिंट स्टेटमेंट में जानना है कि प्रिंट स्टेटमेंट रियल में होता क्या है, कि प्रिंट स्टेटमेंट जो आपके ये अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो आप लिखते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो उसको प्रिंट करने के लिए यूज होता है, ये सभी आप सभी ने देखा है। ओके तब इसमें बहुत सारी चीज ऐसी है कि जो आप यूज कर सकते हो, लाइक जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हेलो 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 प्रिंट करता हूँ और उसके बाद कॉमा करके पी आई वाई यू एस एच मैं अपना नाम प्रिंट करता हूँ। ओके तो ये हेलो पीयूष। ओके तो ऐसे करके मेरा नाम आ जाएगा। ओके तो इसमें आप कॉमास करके अलग अलग क्या आप जो वर्ड्स हैं उसको भी डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा जब आप वेरिएबल्स पे काम करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा। रुके रुके मैं यहाँ पे नेम ही लिखता हूँ, नेम इज इक्वल टू पी आई वाई यू एस एच। ओके तब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि प्रिंट करना है नेम। ओके बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Your name is okay. देखिए your name is पीयूष। okay. तो ये चीज है इसमें कि आप मल्टीपल तरह से आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो भी हम आगे आगे जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे अब उसमें ये चीज देखेंगे और इसको नोट करना। ओके तो हमने ये चीज देखी प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे कैसे यूज करते हैं वेरिएबल्स में, और ये चीज है एक वेरिएबल जो क्या करता है कि ये पीयूष नाम की जो वैल्यू है उसको क्या करता है, एक बॉक्स में या फिर एक कंटेनर में उसको रखता है, और उस बॉक्स और कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें कौन सा नाम मिल रहा है, पीयूष नाम मिल रहा है क्योंकि वो उसके अंदर है। ओके अब बात करते हैं हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में। ओके तो एस्केप सीक्वेंस होते क्या है, एस्केप सीक्वेंस। ओके एस्केप सीक्वेंस होते क्या है, तो हम बात करते हैं कि एस्केप सीक्वेंस है ना जो वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिसको आप प्रिंट स्टेटमेंट में या फिर कहीं और यूज कर सकते हैं, कि जो एक स्पेशल पर्पस से यूज किया जाता है। ओके अब यहाँ पे मैं एक प्रिंट लिखता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ हेलो पीयूष हाउ आर यू। ओके ये चीज मैं लिखता हूँ। ओके अब जब मैं इसको ऐसे नीचे करूँगा ओके तो ऐसे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो एक एरर दिखाएगा। ओके तो जब आपको मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करना होगा तो आप इसमें ट्रिपल कोटेशन का यूज करके भी प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट कर सकते हैं। इसको जब आप नीचे करेंगे और प्रिंट करेंगे तब आपको ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ओके बट हमें एस्केप सीक्वेंस का यूज करना है। ओके हमें क्या करना है, एस्केप सीक्वेंस का यूज करना है, तो उसके लिए बैकस्लैश फिर एन लिखेंगे। ओके यहाँ पे क्या लिखा हमने, बैकस्लैश और एन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जहाँ से हाउ आर यू के पहले से क्या हाउ के पहले से क्या लिखा हमने, बैकस्लैश एन, मीन्स के ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए जो ये बैकस्लैश एन है वो दो वर्ड्स नहीं है, वो एक ही वर्ड है। ओके वो क्या है, एक ही वर्ड है, तो जिसको हमने क्या हाउ आर यू के पहले लिखा कि जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। ओके तो ऐसे ही बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं कि जिसको हम ऑनलाइन देखते हैं अभी एस्केप सीक्वेंस। ओके ये भी कोई याद रखने की चीज नहीं, मतलब आपको रटने की चीज नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि ये चीज हम यूज करते हैं।
ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए ये सिंगल कोट करने के लिए ये ऐसे यूज़ करते हैं, फिर बैक स्लैश के करने के लिए, अब आप देखिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो प्रिंट, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। चलो ओके, अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, सिंगल कोट करने के लिए। ओके आवारी को हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट कर रहे हैं। ये देखिए हमारे को कैसे हो गया, डबल सिंगल सिंगल कोट में उसको हमने कर दिया। तो ये जो वर्ड है वो पूरा एक ही वर्ड है, बट इसमें क्या है, हमें जो जो चीज़ एक स्पेशल पर्पज से बुलाई जाती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ओके फिर अभी ये देखिए स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, फिर आप टैब, तो स्लैश टी के लिए, फिर बैक स्पेस के लिए स्लैश बी। ओके तो ये बहुत सारे जो एस्केप सीक्वेंस है जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके तो एक बार यहाँ पे देखना और अपने एंड से ट्राई करना। ओके तो फ्रेंड्स हमने आज देखा कमेंट्स के बारे में, एस्केप सीक्वेंस के बारे में और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। ओके तो कमेंट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो कमेंट्स हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में एक नोट रखने के लिए, एक नोट छोड़ने के लिए, क्योंकि आप जब क्लास पे काम करोगे या फिर फंक्शंस पे काम करोगे तब आपको एक नोट छोड़नी पड़ेगी कि भाई ये फंक्शंस है वो किस लिए काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। ओके फिर कमेंट्स को जो क्लासेस होते हैं उस पर भी आपको एक नोट छोड़नी पड़ेगी भाई ये क्लास किसका है, हम किसको यूज़ कर रहे हैं। ओके और एक जो प्रोफेशनल एक डेवलपर होता है, प्रोफेशनल एक कोडर होता है, वो हमेशा अपने कमेंट्स रखता है, क्योंकि कोई भी पर्सन आके यहाँ पे आपका कोड देखे तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पार्ट है, फिर यहाँ पे लॉगिन पार्ट है। ओके तो ये सारी चीज़ बहुत मेजरली आप में क्या कहते हैं उसको क्या यूज़ करनी चाहिए और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके तो कमेंट्स के बारे में हमने बात किया कि भाई सिंगल लाइन कमेंट्स होती है, फिर मल्टी लाइन कमेंट्स होती है, फिर एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात किया कि एस्केप सीक्वेंस कैसे होते हैं, हम उसको बैक स्लैश से हम यूज़ कर सकते हैं, एक स्पेशली एक क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है वो जो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में कि प्रिंट स्टेटमेंट को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके अब प्रिंट स्टेटमेंट को ट्रिपल कोटेशन की वजह से भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको, मंच के मल्टीपल लाइन्स को प्रिंट करने के लिए, एक आपको पैराग्राफ प्रिंट करना है तो भी उसमें कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स आज हमने ये सब कुछ देखा, बहुत ही मज़ा आया और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि जिसको भी ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और हम पूरी प्लेलिस्ट धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लाएंगे कि जो आपको मज़ा आएगा पाइथन के रिलेटेड, जैसे पांडाज है, नंपाय, हम सारी लाइब्रेरीज को एक बार 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 से सीखेंगे, पर हम पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लें। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।